नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 10। और हम आपको बता दें कि इस सत्र में हम किस टॉपिक पे या किस क्लास के लिए बात करने वाले हैं। हम मैथ्स के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक लेकर आए हैं एंड द टॉपिक इज सिमिलर ट्राइंगल्स पार्ट 4। पार्ट 1, सेकेंड और थर्ड हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आप इन तीनों सेशन को देखना चाहते हैं तो यू हैव टू एक्सप्लोर आर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ NCERT ऑफिशियल। वहाँ पर आप जाएंगे और आप इन तीनों टाइटल्स को, आप इन तीनों सेशंस को दोबारा देख सकते हैं और अपनी नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। इस टॉपिक पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट जो आपको विस्तार से जानकारी देंगी सिमिलर ट्राइंगल्स पार्ट 4 पर। लेट्स मीट हर। यू आर मिस सविता क्राक, आप टीचर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालापुर रोड कुरुक्षेत्र से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और बच्चों, व्यूवर्स, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही हो मैथ्स से, इस मैथ्स के इस टॉपिक से जुड़ा हो, तो आप बेझिझक अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से आप बात कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, और आप मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in, और इन दोनों माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपनी बात, अपनी जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, हमारे एक्सपर्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। तो मैम, बाय द टाइम हमारे लर्नर्स और स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं, वी मूव टूवर्ड्स यू, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेशन को हम शुरू करते हैं। लेकिन एट द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस सेशन, यहाँ पर हम प्रीवियस जो सेशन हैं उनके थोड़े ब्रीफ में जानकारी लेना चाहेंगे मैम आपसे। जी रेनू जी, तो बिल्कुल यहीं से शुरू करते हैं जी। हमारा आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स, और अगर हम बात करें ट्रायंगल्स टॉपिक की, तो हमने यहाँ पर बेसिकली स्टडी किया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को। हम पिछले सेशंस में क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, रियल लाइफ में सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, हमने ये समझा। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिनकी शेप अलग अलग ना हो करके एक जैसी हो, साइज अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत से एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड पहले भी डिस्कस किए। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ताजमहल के डिफरेंट डिफरेंट साइज के पोस्टर्स हैं। हम पोस्टर को देखकर, चाहे उसका साइज इतना है, चाहे उसका साइज 2x2 फिट है, चाहे 4x4 फिट है, बट हम पोस्टर को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि यस इट इज ताजमहल, क्योंकि वो जो शेप है इन द बोथ ऑफ द पोस्टर्स, दोज आर सेम। इसी तरह से हमने अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए डिस्कस किया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, एंड इट इज आफ्टर द मैथमेटिशियन थेल्स हु वाज द टीचर ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस। तो आज हम अपने टॉपिक में जो बेसिकली डिस्कस करेंगे, इट विल बी पाइथागोरस थ्योरम। थेल्स थ्योरम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आज पाइथागोरस थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। एंड पाइथागोरस थ्योरम वाज गिवन बाय, अनडाउटेडली नाम से ही क्लियर है कि पाइथागोरस मैथमेटिशियन ने दी थी, एंड इट इज अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इट इज अंडरस्टूड दैट राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एंड द साइड अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर एंगल, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, एंड द रिमेनिंग साइड्स आर नोन एज बेस एंड हाइट, और वी कैन से बेस एंड परपेंडिकुलर रिस्पेक्टिवली। तो अभी हमें जो प्रूव करना है पाइथागोरस थ्योरम में, अनडाउटेडली ये जो नेम है पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज नॉट न्यू टू आर व्यूअर्स, वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम को, बट यूज किया है, हमें रिजल्ट पता है दैट येस द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये रिजल्ट हम यूज कर चुके हैं अपनी जूनियर क्लासेस में, बट ये रिजल्ट आया कैसे, इसे प्रूव कैसे किया जाए, आज हम डिस्कस करेंगे यही चीज बाय यूजिंग द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए, अगर हम यहां पर अपनी ट्रायंगल देखते हैं, दिस वन इज द बिगेस्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, हमारा जो बेसिक फोकस है वो इस ट्रायंगल पर अभी रहेगा। इन दिस ट्रायंगल एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज गिवन टू अस, एंड इफ एंगल बी इज 90 डिग्री, देन व्हाट कैन बी से,
that what do we need to prove? हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिकॉज B एंगल के सामने की जो साइड है दैट इज द हाइपोटेन्यूज. तो ये प्रूव करने के लिए somehow पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एंड व्हाट दैट कंस्ट्रक्शन इज, हमने कंस्ट्रक्ट किया BD परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज AC. B वर्टेक्स से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है अपने वर्टेक्स AC पर, और ऐसा करने से अभी हमें यहां पर क्लियर कट थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखाई दे रही हैं. वन इज ट्रायंगल ABD, अदर इज ट्रायंगल CDB, एंड द थर्ड वन इज द ट्रायंगल ABC व्हिच इज ऑलरेडी गिवन टू अस. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले वो दो ट्रायंगल्स जिन दोनों ही ट्रायंगल्स में AB एज अ साइड वर्क कर रहा है, मींस AB, this must be a side. तो ऐसी कौन सी दो triangles हैं? This is triangle ABD and triangle ABC. हम try करते हैं कि ये prove करते हैं कि किसी तरह से ये दोनों triangles similar हो जाए. तो clearly angle A is common in both of these triangles. Then what can we say about this angle ADB? We can say that angle ADB is of 90 degree. Similarly, in the bigger triangle, angle ABC, B point पर जो angle बन रहा है, that is also 90 degree. Therefore, ये दोनों angles equal हैं, and by angle-angle similarity criteria, we can say that triangle ABD is similar to triangle, yes, ये हमने discuss किया है अपने earlier sessions में भी, कि similarity को corresponding parts के according ही हम लिखें. तो A vertex के सामने A ही होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल है, दैट्स व्हाई हमारे पास डी के सामने बी होगा, एंड दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल एसीबी. इफ बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन कैन वी से दैट एबी डिवाइडेड बाय एसी इज इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाय एबी एज पर आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स. एंड इफ दिस इज देयर बाय सीपीएसटी, so we can also write that AB square is equal to AC into AD. Similarly, अभी हम क्या करेंगे to the step next to it, BC square. हम right hand side frame कर रहे हैं, पहले हमने AC square की AB square की value हमने पहले find out की है, अभी हम BC square calculate करेंगे, and at the end हम इन दोनों को add कर देंगे. तो BC स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी विल गो फॉर द टू ट्रायंगल्स जिन दोनों ही ट्रायंगल्स में BC एज अ साइड वर्क कर रहा है, दैट मींस ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में भी एंगल C कॉमन, एंड दिस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी वी कैन से दैट ट्रायंगल BDC is similar to triangle, yeah, C point is common, and angle D will be equals to angle B is similar to triangle ABC. Therefore, we can write that yes, we want the value of BC square. तो जब हम corresponding parts लिख रहे हैं sides पे, हमें ध्यान रखना है कि B दोनों ही times आना चाहिए, left hand side as well as right hand side. अदरवाइज डियर व्यूअर्स, आप तीनों ही साइड्स का रेशियो पहले लिख सकते हैं, और उनमें से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो दो रेशियोज आप पिक कर सकते हैं. दिस इज इक्वल्स टू डीसी डिवाइडेड बाय बीसी, दैट्स व्हाई वी डू हैव बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी इनटू डीसी. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड. लेट अस फोकस अगेन ऑन आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व्हिच हैज बीन रिटन हियर, एबी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी इनटू AD. AB square equals to AC into AD. अभी हम क्या करेंगे, दिस वॉज आर इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों इक्वेशन को एड करेंगे, बिकॉज जो रिजल्ट हमें चाहिए दैट इज द वैल्यू ऑफ AB square प्लस BC square जो है वो hypotenuse square, that means हमारा hypotenuse है AC square के equal आ जाए. तो let us try doing the same. It will be AC into DC plus AC into AD. AC can be taken common, thus we have
डीसी प्लस एडी, और अगर हम अपनी फिगर को विजुअलाइज करते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो दिस डीसी, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट, एंड एडी, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट, और इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को मिलाकर जो लाइन सेगमेंट हमारे पास फ्रेम हो रहा है, दैट इज दिस कंप्लीट ए सी. सो वी विल बी हैविंग द वैल्यू ए सी इंटू ए सी, विच इज ए सी स्क्वायर. यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ द सेम थ्योरम. कन्वर्स का मतलब उसका एकदम उल्टा. दिस टाइम हमें गिवन होगा कि किसी एक साइड का स्क्वायर, लेट दैट बी ट्राइंगल ए बी सी, एंड इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव बीन गिवन दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये हमें गिवन है, बट हमें ये गिवन नहीं है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है. तो हमें जो प्रूव करना है, दैट इज प्रूव दैट एंगल बी इज अ राइट एंगल, एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री मेजरमेंट. लेट अस रीड द स्टेटमेंट वंस. इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, व्हिच साइड, whose square we have taken on the left hand side here, the angle opposite to AC side, that is a right angle. अगर हम बात करें AC side की opposite angle की, तो AC side की opposite angle है angle B, this angle. तो हमें क्या prove करना है कि angle B 90 degree हो जाए. Let us start doing it. For this we have taken a construction here. हमने क्या construct किया है? We have constructed another triangle. देखिए डायरेक्ट हमें यहाँ पर एंगल बी ही 90 डिग्री गिवन नहीं है, वो हमें प्रूव करना है. तो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक ट्राइंगल पी क्यू आर, बट वी आर कंसिडरिंग दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल, इन विच एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री. और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि उस ट्राइंगल का रिलेशन हमारी गिवन ट्राइंगल के साथ ये है दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड आर बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. Means we have already taken that AB and PQ are equal and BC and QR are equal. Let us see now. So, ये आपको given था. AC square equals to AB square plus BC square. अब अगर हम further next step पर move करते हैं, हमने अभी assume किया है कि AB दूसरी triangle की एक side PQ के equal है और BC equal है QR के. तो अगर हम इन दोनों equations को use करते हैं या इक्वेशन सेकंड से वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, तो व्हाट वी आर गेटिंग, इट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ ए बी इट विल बी पी क्यू प्लस इन प्लेस ऑफ बी सी वी विल पुट क्यू आर. सो वी डू हैव ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. लेट अस कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड. बेसिकली हमें करना क्या है, somehow हम ये प्रूव कर देंगे that both of these triangles are congruent to each other. Congruency क्या हमें पता है कि क्या रहता है. Congruency में शेप भी इक्वल और sizes भी इक्वल होते हैं. तो अगर हम अपनी दोनों ट्राइंगल्स को congruent प्रूव कर देंगे, तो अनडाउटेडली एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा. और वही हमें प्रूव करना है कि एंगल बी 90 डिग्री हो जाए. नाउ can we say that in this triangle which we have constructed, that means triangle PQR, is triangle mein PR square is equal to PQ square plus QR square. The reason behind that is this is a right angle triangle. और अगर ये right angle triangle है, तो यहाँ पर Pythagoras theorem जो हमने अभी prove की applicable है. So we got this as our equation number 4. अभी इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि दीज राइट हैंड साइड्स इन इक्वेशन नंबर थर्ड इट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इन इक्वेशन नंबर फोर्थ इट इज अगेन पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. मीन्स अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो अनडाउटेडली आर लेफ्ट हैंड साइड्स विल ऑल्सो बी इक्वल. देयरफोर ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर.
और अगर ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर इक्वल है तो ऑफकोर्स लेंथ ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ पी आर, और फिर हम इजिली बोल सकते हैं कि येस बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि टू साइड्स हमने ऑलरेडी एज्यूम की थी कि इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और अभी अभी हमने प्रूव कर दिया दैट द थर्ड साइड ए सी इज इक्वल टू द साइड पी आर. Therefore, by SSS congruency criteria, both of these triangles are congruent to each other. और अगर ये दोनों triangles congruent हैं, तो हम बोल सकते हैं yes, angle B is equal to angle Q equals to 90 degree. हम further discuss करते हैं. A ladder is placed in such a way that its distance from the base is 5 meter, and let us read this statement, such a way that its foot is at a distance of 5 meter from the base and its top reaches a window at 12 meter above the ground. हमें क्या find करना है? Length of the ladder. Ladder हमारे पास यहाँ पर AC है, तो AC की length find out करने के लिए what we will do? We will simply जी मैम. ओके, वी विल सिंपली डू अ सिंपल थिंग एंड व्हाट दैट इज, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. वी हैव बीन गिवन कि ए सी एक्स है, ए बी इज गिवन टू बी 12, बी सी इज गिवन टू बी 5. सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव 144 प्लस 25 व्हिच इज 169, और 169 स्क्वायर होता है 13 का, तो हमारे पास अभी जो वैल्यू आ गई इट इज x इज इक्वल टू 13 मीटर. फर्दर यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन आवर स्क्रीन एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? इट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट साइड. यस, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज उसकी सबसे छोटी जो साइड है, लेट अस एज्यूम कि सबसे छोटी जो साइड है दैट इज इक्वल्स टू एक्स, एंड इफ द शॉर्टेस्ट साइड इज एक्स देन हाइपोटेन्यूज इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स शॉर्टेस्ट साइड. और बोला जा रहा है कि इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड इज 2 meter less than the hypotenuse. Let us take the third side to be 2x plus 6. So we do have 2x plus 6 minus 2. This is the third side. So hamare paas base 2x plus 4, perpendicular x, aur hame hypotenuse par work karna hai. Hamara hypotenuse is 2x plus 6. Finally, he is asking us find all the sides of our triangle. So क्या कौन सी थ्योरम यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं? दिस इज अगेन पाइथागोरस थ्योरम. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी डू हैव हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. नाउ व्हाट इज आवर हाइपोटेन्यूज? 2x प्लस 6 इट इज एज पर द गिवन कंडीशन. आवर बेस इज 2 meter less than the hypotenuse, that means 2x plus 4, हम उसका भी square करेंगे, and perpendicular is x. So, there is an equation, this is undoubtedly a quadratic equation. On solving this equation, हमारे पास value आ जाएगी x की, और x की value निकालने के बाद, हम values, मान लीजिए x की value आपके पास आ रही है 3 meter. हम वो वैल्यू पर्टिकुलरली पुट करेंगे बेस में भी और हाइपोटेन्यूज में भी, सो दैट आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकल जाए. सो द कैलकुलेशन पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फॉर आवर व्यूअर्स. लेट अस प्रोसीड अहेड. मैम लेट मी टेल यू दैट वी हैव ओनली 3 मोर मिनट्स लेफ्ट फॉर द प्रोग्राम. राइट, दैट्स व्हाई आई फील इट बेटर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जहां हमें कुछ प्रूव करना है, बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट कैन बी डन बाय अ फ्यू. श्योर मैम. So the next question is, in this triangle we have been given, triangle is visible here to us, this is triangle ABC, or A vertex se humne ek perpendicular draw kiya hai, this is the perpendicular,
towards the side BC, which is given AD is perpendicular to BC. हमें प्रूव करना है कि AB square plus CB square. अब देखिए जब AB square की बात हो रही है तो we have to think in these questions कि कितनी right angle triangles हमारे पास बन रही है, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा. तो व्हाट डू वी वांट टू प्रूव, दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो हम क्या कर रहे हैं, लेट अस टेक द ट्राइंगल जिसमें AB एज अ हाइपोटेन्यूस वर्क कर रहा है. मींस इन ट्राइंगल ABD वी कैन से दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD square plus BD square. Let it be our equation number one. बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ जो right angle triangle, that means this triangle ADC triangle. ये जो हमारी triangle है, इस triangle में भी AC square is equal to AD square plus CD square. बेसिकली इन क्वेश्चन में डियर व्यूअर्स ये हम जरूर ध्यान रखें कि जो हमें प्रूव करना है वहां पर कौन कौन सी साइड्स मेंशन है, कौन सी साइड का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर है और कौन सी साइड का स्क्वायर राइट हैंड साइड पर है. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं हमने ए बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की, ए सी स्क्वायर की भी वैल्यू कैलकुलेट की, बट ए बी स्क्वायर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ए सी स्क्वायर इज ऑन द राइट हैंड साइड. तो हमारा फर्स्ट टास्क जो रहेगा वो यही कि दोनों इक्वेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें. तो क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर डिफरेंट साइड्स पर चाहिए तो इट इज बेटर टू सब्ट्रैक्ट देम, तभी ए सी स्क्वायर राइट हैंड साइड पर जाने पर पॉजिटिव हो पाएगा. तो वी हैव ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर. क्लियरली ए डी स्क्वायर positive negative will be cancelled and we have AB square, yes, CD square is negative on the right hand side, so it will become positive on taking it towards left. Here is the final result. हमें यही prove करना था कि AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. And that is there with us. Renu ji, if we have some more time, I would like to discuss one more question with our viewers. Ma'am, only 1 minute, less than a minute we have right now. Okay, so let me just and only give the clue for the next question. Sure, ma'am, sure. Here is the question. The figure has also been given. Again, a triangle is right angle. It is triangle ABC. P is the midpoint of the side AC and Q is the midpoint of the side BC. Here in the figure we have taken P is the midpoint of the side AB and Q is the midpoint of the side BC. BC is correct. BC or CB both are same. And what do we want to prove? We want to prove that 4AQ square is equal to 4AC square plus BC square. हमें जो भी प्रूव करना है सबसे पहला जो कॉन्टेक्स्ट है वो है हमने P को Q से ज्वाइन कर दिया. जैसे ही P को Q से हमने ज्वाइन किया वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं. फर्स्ट इज ट्राइंगल BPQ, नेक्स्ट इज ट्राइंगल बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे मैम. बिल्कुल ABC, नेक्स्ट इज ट्राइंगल ABQ एंड नेक्स्ट इज ट्राइंगल BCP. अब हमें क्या करना है, इन चारों ही ट्राइंगल्स को हमने देख लिया ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हुआ है दैट इज अबाउट द मिड पॉइंट. तो P इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर BP इज हाफ ऑफ AB. सिमिलरली इफ Q इज द मिड पॉइंट देन BQ इज हाफ ऑफ BC. सो दीज आर द थिंग्स इन चारों ही ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए और जहां कहीं भी BP आता है उसकी जगह यू विल पुट हाफ ऑफ AB. In place of BQ, you will put half of BC and then the final result for all the three parts will be there with our viewers. Okay, fine ma'am. Thank you so very much ma'am. आप हमसे जुड़े और आपने 10th standard के maths के students के लिए similar triangles part 4 पे इतनी अच्छी जानकारी दी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद ma'am. हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए.
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर व्यूअर्स की कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, मैं चाहूंगी ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी हमारे व्यूअर्स सॉल्व करें, और अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे पास जरूर भेजें। बिल्कुल, जितने भी व्यूअर्स और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें बता सकते हैं। और अब ये समय है कि मैं इस सेशन को समाप्त करूँ, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहेंगे राष्ट्रीय कला उत्सव के बारे में। हम आपको बता दें कि 1 से 12 जनवरी 2022 तक ये एक राष्ट्रीय कला उत्सव रहेगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर एनसीईआरटी के सौजन्य से 1 से 12 जनवरी 2022 तक कला उत्सव आमंत्रित किया जा रहा है। आप सब जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और देख पा रहे हैं इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपना पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में हमें भरपूर दें। आप इस कार्यक्रम में जुड़ें, हमसे जुड़ें और अपना जितना भी सहयोग और योगदान हमसे दे सकते हैं आप हमें से करें। और इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाज़त, मुझे रेणु भट्ट के दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए PMA विद्या चैनल के साथ। नमस्कार।